आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता कितने दिन उसे गाने हुए। मैं आपको ऐसे एक दुनिया के अजीब गरीब जीव से मिलाने वाला हूँ जिस जीव के अंदर मुटने से लेके हगने तक तो टैलेंट है लेकिन उसका शरीर। जब स्कूल में होती थी लड़ाई सारे मास्टर का शक हम पर जाता था। जब तू अपने बबूचक बम्बू से पूरे दीवारों को लाल करता था। और ये पूरी दुनिया में एक ऐसा लोता इंसान बचा हुआ है जो बातों से ज्यादा हाथों का इस्तेमाल ज्यादा करता है। हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। क्लास के बैक बेंचर दूसरा बदमाशी में नाम टॉप पर आता था। हस्तमुख के दीवाने जरा संभाल के हाथ नीचे करने के बजाय जमीन में ना घुस जा। ही तेरी बैक बेंचर वाली बात मास्टर ठीक ही करता था क्योंकि तू काम ही वैसे करता था। ये शक्ल से तू बदमाश नहीं बल्कि चिमन चिंदी ज्यादा दिख रहा समझ रहे हो। ऐसे हालत का जिम्मेदार है खुद है जो कि दिन रात बाथरूम के अंदर कुछ नया ही करता है। अभी ऐसा शहरी डिजाइन करता है। कुछ सीखो इससे बहन के लोग। समझ नहीं आता कि ये बाथरूम के अंदर कौन से ऐसे वीडियो देखता है। भाई मुंह की बात छील। तो उम्र भी ना हुई मेरे भाई। भाई ने अपने हाथों का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि इसके सामने घोड़ा भी फेल है। उम्र में गूगल के फॉर्म देखेगा तो ऐसा ही तेरा हाल ये हो जाएगा। सही कह रहे हो सर आप। तू पहलवान होगा अभी रहा है तुम गांडू हो तुम पांडी। सच में एक छोटा बच्चा मम्मी पापा से जीत करेगा। मम्मी मुझे एक मोबाइल चाहिए ताकि ऐसी हरकतें कर सकूं। अरे चाहिए क्या? अगर तुम लोग ज्यादा सोचते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग का दही और पनीर एक साथ हो जाएगा फिर बाद में ऐसा आउटपुट हो जाएगा। आओ यार कौवा बिरयानी खाते और इस बदमाशी को हमारी दुनिया से फेंकते बिना किस गुजराते हुए स्टार्ट करते। हर लोग बदमाश बता रहे हैं। साले जब तू अपने शरीर के पूरे सेंधदाने लोगों को दिखाएगा लोग तुझे अच्छा समझेंगे या बदमाश? इतना गलत कैसे हो सकता है? बोलते समय भी किसी का मुंह पी के बोला होगा क्या? नहीं मुझे अब तक लग रहा था कि दुनिया के अंदर चूतियों की संख्या काफी ज्यादा कम है लेकिन इसे देखने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तो बदमाश बता रहे हैं। नीचे हाथ करने से जमीन तो फट ही जाएगी लेकिन उसके अलावा एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज उससे भी फटेगी। समझ रहे हो? वो सोचने का काम वो तुम्हारा है। इतना ज्यादा सोच ही रहे हो तो नीचे चैनल का सब्सक्राइब बटन काला वाला इंतजार कर रहा है ताकि उसे भी दबा देना। नहीं तेरी ये चूतियापंती सिर्फ वीडियो तक ही सीमित है। किसी के सामने ऐसी बकचोदी करेगा ना तो तुझे आमलेट बना के खा लेगा। हाथ करने से लोग तेरा वीडियो देखेंगे ही लेकिन लोगों को पता है कि ऐसे हाथ करने से क्या होता है। कंट्रोल मका जिस दिन मारेंगे ईसा मारेंगे। किसी को मारने से पहले अपनी खुद की सेफ्टी का इस्तेमाल कर ले। दारू और चार पांच बीड़ी गांजा ताकि इसे पीकर तू लोगों के मार तो खा सकेगा। तेरे ऐसे हरकतों के वजह से तू किसी को मार तो नहीं सकता लेकिन हाँ मार जरूर खा सकता उसके साथ चटिया भी पार सकता। चल झूठ हर लोग बदमाश। दिमाग शरीर से भी काफी ज्यादा छोटा है जो अपने हाथ के नीचे का घना जंगल दिखा रहा है। ज्यादा बिजी रहता है कि अपने घना जंगल निकालने के भी इसके लिए टाइम नहीं है। घना जंगल साफ कर बाद में लोगों को सिक्स पैक दिखा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। किसी को अपना मोटापा कम करना है ना तो भाई से सलाह जरूर ले लेना। पुलिस भी नो कहेगी कोई सबूत नहीं मिले। सबूत कहाँ मिलेगा बे जब तेरे से एक बोरी भी उठानी नहीं होगी। और बात कर रहा है एक लोंडे को मारने की शर्म है कुछ? अरे तू रोज मारता है उसमें ही खुश रहे ना क्यों लोंडो को मारने की उतावली हो रही तेरे को। ऐसे भी लोगों को मारने से अच्छा कि तू अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद ही मारना। अब सोचो तुम लोग कौन से हाथ का ज्यादा इस्तेमाल ये करेगा तो ऐसे झंड दुनिया के झंडी इंसान को एक फिटनेस अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। क्या साबित करना चाहता है तू? ताकि उसे याद तो रहे कि झंड जिंदगी में कुछ ना कुछ उखाड़ा होगा। अब तुम लोग मुझे यह मत पूछ के परेशान कर देना कि ये कहाँ पर उखाड़ता है। इससे अच्छा कि अपना पिछवाड़ा ठोक देता ताकि संस्कारी आवाज तो निकलती। चल के 65 साल वाले बूढ़े भी सेक्सी दिखकर लड़कियां घुमा रहे हैं। ये है जो कि बीड़ी गांजा पीकर अपना शरीर को सुखा रहा। तड़प ही ऐसी है ना। इनके भड़वे को इतने ज्यादा हाथ का इस्तेमाल करने की आदत है ना कोई वर्कर काम करते समय भी नहीं करता। दुकान के चीज की मिलती है वारंटी और उसके साथ आती है गारंटी देता हूँ मेरी जान। कोई दूसरे की लड़की अपने घर पर लाता तो उसके माँ बाप उसको गारंटी नहीं देती है। बात तो सही है लेकिन ये है जो कि गारंटी दे रहा है। मानना पड़ेगा इस जवान को। अब है ना लाइन से देखकर मेरी नशा के ऊपर नशा चढ़ गए है। गारंटी देता हूँ मेरी जान। मुँह से बातें सुनकर मैं आज बहुत खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा हंसू और आंखों से गोली जितनी मर्जी मार लो लेकिन फिर भी हमें पटा नहीं पाओगी। वो गलती से भी लड़की पटी गई उसके सामने कितना टाइम तक तू रह पाएगा? नोटी बॉय सोच रहे हो ना कुछ ना कुछ। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है वो ज्यादा टाइम तक रहे या ना रहे हमारे बाप का क्या जाने वाला है। वैसे भी तुम लोग सोच के अपने दिमाग का दही मत करो। समझ गया। कोई किसी लड़की का चुम्मा लेते टाइम सोचता नहीं है ना तुम लोग सोचते हो। किसी जीव को पोलियो के साथ निमोनिया एक साथ होता है ना। अब ऐसे बावले जैसे हरकतें करता है। गोली जितनी मर्जी मार लो लेकिन फिर भी हमें पटा नहीं पाओगी। ऐसे बीड़ी सुखे इंसान लड़कियों पटाने के लिए ऐसे हरकतों का इस्तेमाल करेंगे ना तो सभी सिंगल लोंडो को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। सही कह रहे हो सर आप। ये ज्यादा आकर किसी सेक्सी लड़की को भी नहीं होती होगी जितना इसके पिछवाड़े और हाथ में। तुम लोग सोचो कि एक तरफ फटी हुई चड्डी है और दूसरी तरफ ये बबूचक वाला इंसान है। मेरा बस चलता ना तो मैं चड्डी को चूज कर देता ताकि एक महीने का खर्चा तो बच पाता। जो हथियार तुम हमें मारने के लिए लाए हो तेरे को किस हथियार की जरूरत?
पड़ेगी जब तेरे पीछे में हंसने वाला इंसान का कम है। तुम गांडू हो, तुम पांडी। किसी इसके गांव में सुनामी आ चुकी होगी, तभी घर के साथ चड्डी बनियान सब चला गया सिवाय पैंट को छोड़ के। किसी कटोरी के अंदर की दही खाकर पूरी चाट लेता है, अब ऐसे जीव का निर्माण होता है। छोड़ दिए और जाके हमारा बैकग्राउंड चेक कर लेना। बैकग्राउंड में नजर मारू तो घर की रस्सी दिख रही है, जो कि तेरी बकचोदी तूने कम नहीं की ना, तो रस्सी लटका के तेरे को टांगा दूंगा। इसने जरूर किसी कबूतर का लंच चूस लिया है। खुद का बैकग्राउंड देखने की बात कर रहा है। गलत कैसे हो सकता है? तेरे पिछवाड़े को देखेंगे ना, मांस के सिवाय हड्डियां मिलेंगी। दुनिया आ चुकी है, शरीर तो छोटा है लेकिन बात कर रहा बैकग्राउंड की। एक चिमनी फटाका भी फोड़ना नहीं होता होगा। हमने 16 साल की उम्र में नियम और कानून दोनों तोड़ दिए। उम्र में मैं छोटे बच्चे की साइकिल सीखने की ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन कुछ जीव कुछ अलग ही काम कर रहे थे। पूरा आउटपुट आपके सामने दिख ही रहा है। देखने के बाद मुझे ही लग रहा है कि मैं खुद ही समाधि ले लूं। तुम लोग अपने कम उम्र में छोटे बच्चों को कार्टून लगा के देते हो ना, तो ऐसा ही हाल होता है। मैं आपको ऐसे एक बॉय गॉड से मिलाने वाला हूँ जिससे एक लकड़ी भी नहीं उठानी होगी। लेकिन इसे देखने वाले हम दारू पीकर चूतिया है, इसे धरती पर रखकर पूरे इंडिया को खराब कर रहे हैं। तू दोनों साइड दो लोंडो को अपने बाइक उठाने के लिए रखा है ना, साफ पता चलता कि तू जब हनुमान करेगा ना इन दोनों को भी साइड में रख दे। बात तो सही, थक गया तो उठाने के लिए रहेंगे। इसकी ऐसी बॉडी बनाने की टेक्निक से मुझे ही लग रहा कि मैं अब जल्दी ही समाधि ले लूंगा। ये कौन सा लॉजिक है बे? कुछ रोज बाइक उठाकर इसका हो गया ऐसा हाल, तुम लोग मुझे बताओ तो मैं जमीन में गाड़ू या पाताल लोक भेजू। दुकान से चुरा के 4 रुपए की सिक्स पैक दिखा रहा, जीव के साथ सरकार ने गांड फटे तक अत्याचार किया है। वो पोलियो की डोज देने की जगह आधा अधूरा डोज पिला दिया है, अभी ऐसे बावले हरकतें कर रहा। हम सामने वाले ही कहकर फाड़ते हैं। अबे अंडे से निकले चिलगोजी, ऐसे बताने से पहले कोई इंसान तेरे को कागज समझ कर फाड़ देगा। सुना था कि दारू का असर सिर्फ ऐसा ही होता है, इतना ज्यादा नशे में इंसान डूब जाता है पता नहीं था। सच्ची में एक शेर रहता है उत्तर प्रदेश में। तू उत्तर का रह या पश्चिम का? सूरज जहाँ से निकलता है वहाँ से ही निकलेगा, और जहाँ से डूबेगा वहाँ से ही डूबेगा। ऐसे हाथ वाले हरकतों से ये जीव कभी बाज नहीं आएगा। लाते कहाँ से? हगे इंसान का पानी गिरा कर उसे चिढ़ाना पसंद करूंगा, लेकिन इस इंसान को पश्चिम उत्तर भेजना नहीं। अब आए ना लाइन पे। अब इसका हाथ जगन्नाथ बन ही चुका है तो लोग अपने गांड में बम्बू डाल के चुप रहेंगे क्या? जीव को 2 बीमारियों के साथ 4-5 बीमारियां एक साथ हो चुकी है। इसका दिमाग ऊपर जाने की जगह नीचे है। तो यार आज की चूतिया बाजी वीडियो को इसके बॉडी के साथ यहाँ पर भी समाप्त करते हैं। तुम लोगों को इसके हड्डी के साथ इसकी चड्डी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर मारना। तुम लोग मुझे एक टाइम पर देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन चैनल का सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर देखना। आज जाओ और अपने घर का सुई धागा लेकर उसके साथ नाजायज संबंध बना लो। मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। काले वाले सब्सक्राइब बटन के साथ मैं कोई भी आपकी बकचोदी सुनना नहीं चाहता, इसलिए दबा देना। चलो मुझे भी निकलना पड़ेगा, इसके अंदर हवा जो भरनी है।